गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे ही हो गई थी। फ्रेंड्स, मैं हो चुका हूँ रेडी। अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए, अभी कर रहा हूँ नाश्ता। वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि आने वाले 5 से 6 दिन जो है वो ज़्यादा धूप पड़ने वाली है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है। वैसे कल भी टेम्परेचर गर्म ही था और इवनिंग में बारिश भी हुई। ऐसे में थोड़ा कैप, टोपी, रुमाल, पानी ये सब साथ में रखिए और बाहर निकलते समय में हमेशा ध्यान रखिए। आफ्टरनून का समय अवॉइड करें तो ही बेहतर है। और वैसे भी इस समय पर बाहर जाओगे लू लग जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो तबीयत पर असर हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए और अपना बचाव रखिए। मैं भी अपने साथ पानी की बोतल, रुमाल और कैप हमेशा रखता हूँ और पहन के ही जाता हूँ, क्योंकि इतनी धूप होती है, गाड़ी चलाने में इतनी धूप लगती है तो बीमार होने का भी बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए इन सब से बचने के लिए प्रॉपर केयर कीजिए, नींबू शरबत वगैरह का इंक्लूड कीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्विमिंग पूल ला जायचं, मम्मा पायऱ्या चालते, मम्मा कपडे घाल, मग मम्मा चल कपडे घालू ना, चल ट्रक आण तुझी। ग्रेसी गुस्सा हो गई थी अभी, चल आ जाओ। इसको गाड़ी में रेडी करना पड़ता अभी। नहीं, वो ग्रेसी कपड़े नहीं पहन रही थी, मैंने बोला मत आ तो गुस्सा आ गया था ग्रेसी को। वैसे ही लेके आए हूं ग्रेसी कपड़े साथ। ओके okay. वाला विचारना करने आ रहे थे, ये सर ने विचारना इकड़े इकड़े चल गिची मम्मा कुठे इकडे बघा, या इकडे बघा तू? हम आए हैं हमारे सिटी के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वैसे खुशहाली को कॉल आया था कि स्विमिंग पूल की लास्ट डेट है, कल स्विमिंग के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। खुशहाली को बड़ा इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमने सब देख लिया है, आपको भी पूल दिखा रहे हैं। हम जा रहे हैं अगले स्विमिंग पूल, वहाँ पे जाके देखेंगे कि और क्या फैसिलिटीज हैं। इस कॉम्प्लेक्स के पास ही एक शूटिंग रेंज भी है, जहाँ कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और ग्रेसी को देखने में बड़ा मजा आ रहा था, इसलिए खुशहाली और ग्रेसी वहां पे चले गए। यहां मैं उतरा हूं डिस्टिल वाटर लेने के लिए, जो मुझे मेरे इन्वर्टर की बैटरी में रिफिल करना है। बंद होने वाला था अभी, हाँ जाता कल के साथ, 2 मिनट लेट हो जाता तो बंद हो रहा था मेरा, इसलिए तो हंस दिया मैंने जब उसको हाथ दिया डिस्टिल वाटर। अच्छा हो ना यहाँ से आए थे। स्विमिंग करूँ दाखो क्रिसी,
ये मेरे बचपन का स्विमिंग पूल है, अब ज्यादा कुछ नहीं बदला है और वो सब सेम ही है। कशा पोतात दादा? काय गेली सी मम्मा? मैं मम्मा मम्मा कैसा लग रहा है ये तुमको? अच्छा, ये वाला अच्छा है। ग्रेसी को मिल जाएगा ना? ग्रेसी को मिल जाएगा ये वाले में। बाय बाय। लड़की लकड़ी सुखाने रखी है क्या? हाँ। लकड़ी सुखाने रखी है क्या कृषि? हाँ। क्या है? क्या करेगी वो लकड़ी का? क्या करो? क्या करोगे ये लकड़ी का? ये हटून दो है, ये हटून दो का है। नहीं नहीं पप्पा तिने कपड़ा काढला ते गाडी पुसायचा आणि त्याच्यावर ते लकड़ी ठेवायला लावली। हा वाह अमानत अमानत घेतीची अमानत। आलो घरी? चेयर्स तो केली नाही आज उन्होंने खाना शुरू कर दिया। चेयर्स चेयर्स। फ्रेंड्स हमारा खाना हो चुका है, हम बैठे हैं रिलैक्स, अभी राह देख रहे हैं ग्रेसी की। ग्रेसी गई है बाहर घूमने पापा के साथ। मैं और खुशहाली बैठे हैं, हम लोग सोच रहे थे कौन सा स्विमिंग पूल लगाया जाए क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी देखना है, हमारा समय भी देखना है और ग्रेसी को भी देखना है। खुशहाली जी डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। आज तो मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ सुबह से, थोड़ा डिहाइड्रेटेड होने के कारण मैं आज थोड़ा सा एक्टिव नहीं फील कर रहा हूँ, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। तो अभी मैं पीता हूँ नींबू शरबत और अपने आप को करता हूँ रिहाइड्रेट और मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हिट रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।